आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है कोवेलेंसी ऑफ कार्बन इन द CO मॉलिक्यूल इज 3। ठीक है, कोवेलेंसी का यहाँ पे मतलब क्या है? अगर वैसे तो कोवेलेंसी होता है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय द एटम, बट हमको इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्मड बाय द एटम, ओके, विद अनदर एटम्स। ठीक है, मतलब हमारे पास जनरली तो ये होता है कि जितने वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, या हम उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड जो बनाए दूसरे एटम के साथ वो कितने हैं। तो अगर कार्बन की एक सीओ मॉलिक्यूल की बात करें तो कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 4। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, तो ये 2 हमारे पास देखिए, तो ये जो 2 है ये ऐसे बॉन्ड कर लेते, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते अपने, तो यहाँ देखिए इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन अभी भी देखे तो हमारे पास कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अगर मैं इसे और अच्छे से रिप्रेजेंट करूँ तो ये होगा सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये अभी भी एक लोन पेयर यहाँ ये है और एक लोन पेयर ये है, और कार्बन पे एक लोन पेयर यहाँ पे है। तो अभी भी हमारे पास कार्बन के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेटली डोनेट कर देता है। ठीक है, इसको लोन पेयर कोऑर्डिनेटली डोनेट करता है, तो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर दिखाना चाहूँ तो मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ठीक है, और कार्बन पे आ जाए नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखें तो इन दोनों के बीच में हमारे पास कितने बॉन्ड फॉर्मेशन हुए, अगर देखें तो 1, 2, 3 बॉन्ड फॉर्मेशन कितनी हुई, 3 हुई, तो इसलिए यहाँ पे इसकी कोवेलेंसी 3 होती है। अब हम इसके रीजन पूछे, क्या क्या रीजन है? An excited carbon atom has 2 unpaired electrons. ये तो बिल्कुल wrong statement. कि जो covalency है वो हमारे पास bonds पे depend कर रही है यहाँ पे, ना कि electrons. तो हमारे पास जितने भी हमारे पास देखे तो इसमें तो ये unexcited पे है तो एक lone pair, लेकिन ये हमारे पास covalency में participate नहीं कर रहा है। ये कहता है carbon atom can be acceptor of an electron pair. ये बिल्कुल correct statement है, क्योंकि जब carbon जो carbon है वो एक acceptor की तरह act कर रहा है यहाँ पे और accept कर रहा है, तो इसलिए एक bond formation बढ़ रही है इसकी, और एक bond formation बढ़ रही है, तो इसलिए covalency 2 से 3 हो गई, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। फिर द कार्बन एटम हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। फिर मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ कार्बन इज 3, ये भी हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है। मैक्सिमम कोवेलेंसी हमारे पास देखें तो कार्बन की 4 हो सकती है, मैक्सिमम कोवेलेंसी कार्बन की हमारे पास 4 हो सकती है, उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ये भी हमारे पास करेक्ट, ये हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास होगा बी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।